हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। और आज की इस वीडियो में मैं पाई चार्ट के कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो हमारे पीओ प्रीलिम्स के लिए, क्लरिकल मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पाई चार्ट के जो कंसेप्ट है ना, वो हमारे मेनली लगेंगे डीए में, ठीक है, जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, इंश्योरेंस के होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट जो हमारे पास एक चीज़ आती है कि एक मिसिंग फिगर होगी वहाँ पर, मिसिंग वैल्यू। तो जैसा कि आपको पता है कि ये पाई चार्ट है, अगर तो ये परसेंटेज में दिया होगा तो ये पूरी पाई की वैल्यू का बेस जो होगा वो अपॉन 100% रहेगा, 1/100 रहेगा, ठीक है। अगर तो ये वैल्यू दी होगी हमें डिग्री में, जैसे कि ये पाई चार्ट दिया हुआ है हमें डिग्री में, तो आपको पता है डिग्री का जो होता है वो बेस 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर तो वहाँ पर एग्ज़ाम में हमें डिग्री की वैल्यू दी हुई है तो बेस में अपने 360 रखना है, परसेंटेज ना रखना। कई बार बच्चे ये गलती कर जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि मिसिंग वैल्यू कैसे होगी, जैसे ये पाई चार्ट दिया हमें, जैसे ये 15% है, ये भी 15% दे दिया हमें, ठीक है, और ये भी 15 दे दिया, ये सब परसेंट में है, और ये वैल्यू दे रही 30%। तो एक की वैल्यू जो मिसिंग होगी वो फाइंड आउट करनी है। वो तो आपको इजी होगा कि इसको हम ऐड बैक कर देंगे सभी को, और 100% में से माइनस कर देंगे। जैसे 15 15 45 हो गया ये तीन बार, और 45 + 30 75, तो 75% माइनस करेंगे तो बचा हुआ रिमेनिंग हमारा 25% होगा, वो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। ये तो एग्ज़ाम में ईजी रहता है, ये आप कर ही सकते हो। उसी तरह से अगर ये परसेंट की बजाय वहाँ पर डिग्री दी होती और यहाँ पर डिग्री की वैल्यू मिस होती, तो हम 360 डिग्री में से बाकी सबका टोटल कर देते और उसको यहाँ से माइनस कर देते, तो वो वैल्यू हमारी डिग्री में से निकल के आनी थी, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और इसमें कई बार ऐसा दिया होता है कि जैसे और एक वैल्यू क्या दी होती है, अगर मैं सेकेंडली उसको वो करूं, तो हमें एक पाई चार्ट दे देते, ठीक है, उसमें से जैसे ये वैल्यू होगी हमारी 10% की, 10%, ठीक है, एक वैल्यू 15% मान लेते हैं, ये मैं सब अपनी तरफ से ज़ूम कर रहा हूँ, एक को हम 20% मान लेते हैं, ठीक है, एक को हम 30% मान लेते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ तो हमें कई बार ना डिग्री में दे देते हैं, ठीक है, तो डिग्री में से हमें फिर परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, डिग्री टू परसेंटेज, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, 90 डिग्री होता है, डिग्री का अपॉन 360 लगता है और इनटू हम 100 कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 25%, मतलब कि जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो 25% है, ठीक है। और उसी तरह से हम परसेंट से डिग्री निकाल सकते हैं। तो परसेंट में कैसे होगा, जैसे बाकी सभी वैल्यू अगर डिग्री में दी होती, ये वैल्यू हमें परसेंट में दी होती, तो हम परसेंट 25% करते इनटू 360 कर देते, तो ये वैल्यू 90 आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको काटोगे तो ये 90 आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्ट लगता है वहाँ पर। और इसके बीच में क्या आ जाता है, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें ना टू वैल्यूज मिसिंग दी होती है। अब देखिए, अब जब टू वैल्यूज मिसिंग होगी तो उसकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ये चीज़ें आती है लॉजिकल थोड़ी सी, ये मेंस लेवल की चीज़ चली जाती है, और उसमें एक कंडीशन ज़रूर दी होगी आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि पाई चार्ट बनाऊं यहां पर, तो मान लीजिए ये हमें 15% दिया है, ये भी 15% दिया है, मैं सेम ही रखता हूं उसको, ये 20% दिया है, और ये वैल्यू हमें 30% दी हुई, सॉरी ये दो वैल्यू हमें नहीं दी हुई, ठीक है, ये दो वैल्यू हमें नहीं दी हुई। तो आपने करना क्या, आपको पता है परसेंटेज की वैल्यू जो होती है वो 100% रहती है, 100% इज इक्वल टू 15 15 20, या तो कोई दो वैल्यू मिसिंग होगी या एक वैल्यू मिसिंग होगी, ठीक है। तो अगर दो वैल्यू जैसे यहाँ पर मिसिंग है, तो आपने क्या करना है, तो इनको ऐड बैक कर देना है, 15 और 15 30 और 20 50 हो गए, तो 50% प्लस एक को हमने एक्स मान लेना है, इसको मान लिया मैंने एक्स, और इसको मैंने वाई मान लिया, दो वेरिएबल मान लेने मैंने, ठीक है, प्लस एक्स परसेंटेज प्लस वाई परसेंटेज, तो ये हमारी एक इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है। और या तो इन्होंने इनके रिगार्डिंग कोई बात कही होगी, वहाँ पर कोई कंडीशन दी होगी, कोई वैल्यू दी होगी, ठीक है, जैसा कि मान लीजिए उन्होंने कई बार रेशो दे देते हैं कि एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 2/3, 2:3,
ठीक है, तो रेशो की वैल्यू फिर हम कैसे निकालेंगे? जैसे ये 50% हो गया, 100 में से 50 गए, तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो 50% होगी, ठीक है। और यहाँ पर रेशो कितनी दी हुई है हमें, 2/3, तो एक्स की क्या वैल्यू निकल के आएगी, 50 × 2/5, ठीक है। तो ये कितनी आएगी, 20, एक की 20% आ जाएगी एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू आ जाएगी 30%, ठीक है। एक ये चीज़ दी होती है, मतलब ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वहाँ पर रेशो दी होगी, और रेशो से हमने क्या करना है, परसेंटेज की वैल्यू निकाल देनी है। ये सेम चीज़ डिग्री में भी ऐसे लगेगी गाइस, ठीक है। डिग्री वाला भी कंसेप्ट अपने कंफ्यूज नहीं होना, डिग्री में भी बस यही होता है कि आपने बेस को 360 रखना है, परसेंटेज में आपने 100% रखना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। और इसके अलावा जो मेनली जो प्रीलिम्स में हमारी चीज़ आती है, अगर मैं उसको फोर्थ में कैटेगराइज करूँ तो उस उन्होंने करना क्या होता है, जैसे ये पाई चार्ट दिया हमें, ये 15% की वैल्यू दे दी, ठीक है, ये भी 15% की वैल्यू दे दी। मैं सेम ही रख रहा हूँ क्योंकि बार बार वो करने में ना कई बार टाइम ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है। मान लीजिए ये हमें दे दिया 40%, ठीक है, और इसकी जगह पे हमें क्या वैल्यू दी होगी, जैसे मान लीजिए 1000 लिख दिया, ठीक है। तो हमने पूरी पाई की वैल्यू निकालनी है, तो पूरी पाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे इसकी एक परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे ना, तो पहले तो इसकी परसेंटेज वैल्यू निकलेगी 15 और 15, 30, 30 और 20, 50, 50 और 40, 90, मतलब 100% में से 90% हमने माइनस किया, तो बचा कितना, 10%। जो ये 10% की वैल्यू है वो 1000 है, ठीक है। फिर 100% की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि 1000 upon 10 into 100, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 10,000। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी टोटल पाई की, 10,000, ठीक है। ये भी चीज़ चलती है वहाँ पर। ये चीज़ तो मतलब कोई अगर पीओ के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। मतलब ऐसे थोड़ी बहुत ये ट्रिक नॉर्मल रखते हैं, इतना कुछ टफ नहीं होता वहाँ पे। और इसके अलावा और क्या चीज़ बनती है वहाँ पर, इसके अलावा जैसे कि ये पॉइंट नंबर 5th जाएगा हमारा। 5th में क्या होगा कि जैसे हमें टोटल दिया होगा, मतलब कि पाई चार्ट, मतलब कि दो पाई दिए होंगे जो नॉर्मल ट्रेंड में रहती है इनकी। जैसे पाई चार्ट बना लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ABCDE, ये हमें टोटल दी हुई है वैल्यू किसी भी चीज़ की, चाहे टोटल स्टूडेंट्स मान लीजिए, चाहे कुछ भी लगा लीजिए। ये 15% है, ये भी 15% है, ये 20% है, पिछला हमने 40% निकाला था, और ये इसकी वैल्यू 10% आई थी, ठीक है। और उन्होंने क्या करना है, एक और चार्ट उन्होंने दे देना है, पाई चार्ट ही देंगे, जैसे फीमेल्स का दे दिया, ठीक है, फीमेल्स का पाई चार्ट बना लेता हूँ यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5, ABCDE, ठीक है। फीमेल्स में मान लो उन्होंने ये यहाँ पर 10% दे दी, ठीक है, ये 30% दे दी, ये 25 दे दी, ये 20% दे दी, और ये कितना रह गया इसमें, 30 20 50 70, और सॉरी ये 40 60 और 85, तो यहाँ पर बचा 15%, ठीक है। तो ये आपको पता है कि टोटल उन्होंने क्या करना है, टोटल वैल्यू मान लीजिए हमें दी है 3000, ठीक है, 3000 टोटल वैल्यू दी हुई है। पहले तो आप क्या करोगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊँ, ठीक है, टेबल में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ई की वैल्यू, ठीक है, पहले तो टोटल में से हम वैल्यू क्या निकालेंगे, जैसे 3000 का पहले मैं 15% लगाऊंगा, तो ये हमारा आएगा 450, ठीक है। इसको मैं यहीं तक ही रखूंगा। जैसे आगे हमने निकालनी क्या है, फीमेल्स, ये टोटल आगे हमारी, ठीक है, ये फीमेल्स कितनी निकल के आएगी कि आप 15% लगा दोगे इसका, ठीक है, 45 का आप लगाओगे क्या, 15%, जो हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पे, सॉरी 45 का आप, ए की वैल्यू है ना, 45 का आप 10% लगाओगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर 45 आ जाएगा, ठीक है। बाकी का रिमेनिंग क्या होएगा, हमने क्या निकालने, मान लीजिए अब मेल्स दिए हुए, वहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि रेशो निकालो मेल्स और फीमेल्स की ए की, ठीक है, आपने एक यहाँ पर निकाल दी 45, ठीक है, टोटल में से, और दूसरी हमारी क्या निकल के आएगी, जो 10%, एक तो हमने क्या टोटल में से, जैसे ये टोटल है, टोटल 100 में से आपने एक 10% की वैल्यू निकाली, बाकी बची जो 90% वो मेल्स की होंगी, ठीक है। ये जैसे हमारी फीमेल्स निकल के आ गई हैं, तो 90% हमारे मेल्स ही होंगे। या तो आप 450 को इंटू 90 करो, 90% करोगे, ठीक है, यहाँ क्या करोगे, 450 में से
45 आप लेस कर दोगे, तो ये अगर 45 लेस हो जाएगा 405 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी चीज़ें चलती हैं वहाँ पर। ये तो नॉर्मल आपको देखने को मिलेगी, ये कोई चाहे वो टेबल टेबल में पूछे, ठीक है, जैसे टेबल में आपको टोटल वैल्यू दे दी, ठीक है, टोटल मेल दे दिए, ठीक है, तो आप टोटल में से मेल माइनस करोगे तो वो आपके फीमेल निकल आएंगे। तो ये चीज़ तो नॉर्मली पीओ के प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और चीज़ यहाँ पर क्या रह जाएगी, इसके अलावा और चीज़ ये भी रह जाएगी कि अगर इसी को मैं डिस्कस करूँ कि इसमें से मान लो कोई एक आध वैल्यू मिसिंग हो, ठीक है, जैसे कि 6th पॉइंट देता हूँ मैं इसको, जैसे कि इसको मैं अगर डिस्कस करूँ तो मान लीजिए ये पाई चार्ट दिया हुआ हमें टोटल का ही, ए बी सी डी और ई, परसेंटेज मैं सेम रखने वाला हूँ यहाँ पर, ये 10% का ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा वैसे होता नहीं है, ड्रॉ करने में इतना लगा है। ये टोटल वैल्यू होगी, मान लीजिए हमें जो फीमेल्स दी हुई है यहाँ पर, ए की 10% है, ठीक है, बी की हमारी कित बी की मान लीजिए हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उसी तरह से हमारी जो सी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर, ठीक है, सी की हमने यहाँ पर कितनी मानी थी 25%, और डी की मान लो हमने पता करनी है, ठीक है, डी को अभी छोड़ देते हैं, और ई की हमारी वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर 15% रखी थी मैंने, ठीक है। मान लीजिए ये दो हमें नहीं दी, हमें पता है जो मेल्स हमारे निकल के आएंगे ए के कितने निकल के आएंगे 90%, अगर 10% वो है तो बी के कितने निकल के आएंगे, मान लीजिए हमें बी के मेल्स दिए हुए हैं परसेंटेज में, ठीक है, मान लीजिए बी के हमें परसेंटेज में मेल दिए हुए 70%, ठीक है, तो आप यही सोचोगे कि यार अगर 100 में से 70% बी की वैल्यू में से, बी की 100% वैल्यू में से, ठीक है, 70% अगर मेल है तो बाकी के 30% फीमेल ही होंगे, ठीक है, तो ये तो नेचुरल सी बात होगी। तो वहाँ पर कॉमन सेंस थोड़ी सी लगाकर ये सब चीज़ें करना, मतलब कि बहुत इजी रहेगा ये, ठीक है। उसी तरह से अगर सी की वैल्यू 25% अगर फीमेल्स हैं तो 75% वहाँ पर मेल आ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ पर डी हमें 80% दिया हुआ है, ठीक है, एक बी और डी की वैल्यू निकालनी थी हमने, तो डी अगर 80% दिया 100 में से तो बाकी के रिमेनिंग जो 20% होगी वो फीमेल्स होंगी, तो इसी तरह से वैल्यू निकल के आ जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो भी कंडीशन वहाँ पर दी होगी उस हिसाब से इक्वेशन बनेगी, सब चीज़ें वहाँ पर वैसे ही चलेंगी, तो इतना कोई टफ नहीं होगा। तो और मैं आगे जाकर अभी टेबल को डिस्कस करूँगा, टेबल वाली जो डीआई जैसे बनती है, जो उनके लॉजिक वगैरह चलते हैं, मेनली बेसिक से मैं उठाऊँगा, फिर मैं उनके क्या करूँगा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ताकि आपके लिए थोड़ी पिक्चर क्लियर हो कि हाँ हमने वहाँ पर एग्जाम में मेन करना क्या है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आने वाली वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए, थैंक यू।